कभी ये आपने देखा है एक जवान को 70 किलो की बोरी लगा दो, 70 किलो वजन नहीं, जवान 70 किलो की बोरी उठा लेगा? यही ये काले अंग्रेजों का यही तो सिस्टम है। क्यों रखवाते हैं 70 किलो? वो रखवा देते हैं कि उनका कच्छा ना धोया, चड्डी ना धोई, उनका कोई काम ना करे, पानी ना दिया, बर्तन ना धोए, उनका वेटर का काम ना किया, उनका बाथरूम ना धोया, ना नाली ना धोई। जवान का ये काम है, जवान 6.5 फुट जवान है ये, और इसका ये ऐसा काम करेगा, पढ़ा लिखा जाएगा जब फौज के अंदर ऐसा काम करेगा जाके, कोई नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत। और आप इस समय देख रहे हो CCN न्यूज 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। युवराज सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। युवराज जी के दादाजी। हाँ जी, ठीक है। और पूर्व सैनिक हैं और बता दूं मेरे खुद के गांव से भी लगते हैं, और जंतर मंतर पर पहुंचे हैं, अपनी बुलंद आवाज के साथ लगातार हर विषय पर बोलते हैं, फिर चाहे वो ORP हुई, MSP हुई, डिसेबिलिटी पेंशन हुई, विधवा पेंशन हुई, फिर चाहे वो बेटरमेंट सिस्टम हुआ, तमाम विषयों पर खुल करके, तमाम उन विसंगतियों के बारे में खुल करके बताया है जो कि समाज के अंदर, मतलब सेना के अंदर जो है एक जवान के साथ शोषण हो रहा है, फिर चाहे वो जवान जो है सेवा कर रहा है या सेवा से निवृत्त हो गया, दोनों के साथ शोषण हो रहा है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो आज आप हमारी आवाज़ प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचा रहे हैं। आपने सवाल किया है कि जवानों के साथ शोषण होता है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, आर्मी के अंदर भी वो कुछ होता है जो हम यहां बताने से गुरेज करते हैं, पर करें क्या। अभी अभी आपने वीडियो देखी होगी, एक आर्मी के अंदर एक अफसर ने उसके कच्छा धोने से इनकार कर दिया, कच्छा धोने से इनकार कर दिया, आपने वीडियो भी देखी होगी, और उस जवान को उसे ठीक बोला इसको मत आने दो, ध्यान देना इस बात का, उधर से कह दिया मत आने दो, और दूसरी तरफ कह दिया ये मेरा दफ्तर रनर आएगा, एक तरफ से उसको मना कर दिया, दूसरी तरफ ऑर्डर दिया मेरा दफ्तर रनर आएगा। मैं यानी कि जहाँ मैं ऑफिस के अंदर बैठता हूँ उसके बाद इस ये खड़ा होगा चौकीदार, वो जवान वहाँ गया, उसने फौज के अंदर चैनल है हुक्म आना उसने, और उसको इतना भद्दे लफ्ज, इतनी बुरा कुछ बोला गया कि मैं आपके चैनल के ऊपर बयान नहीं कर सकता, यहाँ तक कि उसको गाली तक दी गई माँ बहन की। ये अफसरों की तानाशाही है आर्मी के अंदर। ये मेरे का वीडियो मेरे पास है, मैं जाने से पहले आपको वीडियो दे दूंगा। तो जो हमारे अपने सेना मेडल है ना, परमवीर चक्कर है, गुरिंदर साहब है, ग्रेनेडियर से, वो उनकी वीडियो के उनके चैनल पे आई हुई है। बस कच्चा धोने से मना कर दिया उसको, बटमेंट सिस्टम से हटा दिया, उन्होंने बोला मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं एक जवान हूँ, मेरा ये काम नहीं है। जवान कच्चा नहीं धोने के लिए भर्ती होता, जवान भर्ती होता अगर विश्व की सबसे पावरफुल आर्मी बनानी है तो जवान को हथियार दो, उसको मुनिशन दो, उसको फिजिकल फिटनेस रखो, और जो जवान का काम है वो करे। और मैं कहता हूँ कि पूरे देश के उम्र इंडिया की आर्मी राज कर सकती है, ये जवान इतने ताकतवर हैं इंडिया के, और जब ये इन अफसरों के चक्कर में फंस जाते हैं तो बेचारे ना तो आगे पाँव रखते हैं ना ही पीछे, इसलिए वो दुखी हो जाते हैं, करें तो करें क्या, जाए तो कहाँ, क्योंकि वहाँ प्रमोशन है ना, जो हमारा जैसे हम हौलदार बनते हैं, नायक बनते हैं, या सूबेदार बनते हैं, नायक अफसरों के हाथ में, जब जी जाए जब हमारा प्रमोशन आता है हमारी रिडंडरी कर देते हैं, ये इसको नहीं मिलेगा। अफसर की बात नहीं मानोगे तो वो यही तो करेंगे, अब अफसर की बात मान, अफसर ही तो बता रहा है, अगर वो जवान जो है सेना के अंदर अपने सीनियर अफसर के हेल्प कर रहा है तो क्या गलत है? देखो बात है कि हल्फ हल्फ का तरीका होता है, ये थोड़ा कि आपको कच्चा दो, ये कहाँ लिखा, हमारे हाथ में रबल होने चाहिए, कच्चा होना चाहिए, ये तो आप मीडिया वाले आप ही कुछ जानते हो, तो हम इन बातों को नहीं कभी भी करेंगे, जो हमारे चीज़ में रबल है तो रबल चाहिए, अब रबल दे दो बॉर्डर के ऊपर, हमें ड्यूटी कर दो तो हम देखेंगे कुछ चाइना का आदमी अंदर मारे के घुस के दिखा दे, हिम्मत है किसी की? 4 बार हम खुद वहाँ रहे हैं चाइना के बॉर्डर के ऊपर, हमने 4 बार चाइना को पीटा है, अरे ऐसे धक्के से मारते थे कि भाई थप्पड़ के लिए हो जाते, ये देख ले तेरे सामने इतने इतने छोटे छोटे थे, वो कौन से बड़े थे, आपके यहीं आए हुए हैं उनसे पूछ लो। तो बात यह है कि जब अफसर ऐसी तानाशाही करेगा तो देश की आर्मी कमज़ोर होगी, कमज़ोर होने से दूसरे देशों को ये मौका मिलेगा कि यार इनको तनख्वाह तो मिलती नहीं है, पैसा कोई इनको मिलता नहीं है, इनको ये तो मारो, इनको भगाओ, इनको
तो फिर मेरे जी मेरे फिर को पैसा नहीं मिलेगा तो मैं लड़ूंगा क्यों? मैंने कम से कम मेरे भी बच्चे हैं घर में, मेरे बीबी बच्चे हैं, मैंने अपना परिवार पालना है। अगर मेरे को कुछ खाने वाने के लिए कपड़े पहनने के लिए सब कुछ मिलेगा तभी तो मैं नौकरी करूँगा। अगर जब नहीं मिलेगा तो कौन भूखा मरा कौन नौकरी करता? अफसरों की गुलामी में कौन नौकरी करेगा? और जब जो हमारा हक है हमारे को हक नहीं मिल रहा। एक 6 मीटर का कपड़ा अफसर पहनता है उसको इतना कुछ, अरे हम 6 मीटर का हम पहनते हैं हमारे को कुछ भी नहीं। तो ये जब संगतियाँ हैं, ये जो शोषण हो रहा है इसके ऊपर सरकार प्रधानमंत्री मोदी को सगा लेना चाहिए। हर रोज़ मैंने पिछले भी कहा था आपके वीडियो के ऊपर, आर्मी अफसरों के दुखी होकर हर रोज़ एक जवान किसी ना किसी बहाने मरता जा रहा, शहीद होता जा रहा। इतना बड़ा कोई कहने की हिम्मत नहीं, क्योंकि हम रोज़ वीडियो देखते हैं। आपने जौनपुर वाले का देखा ना, अभी भी घर बैठा। और भी कई हैं लड़के जो कि मीडिया के सामने नहीं आते, जिनको फोन चलाने नहीं अच्छे तरीके से आते। जब वो आएंगे तो प्रधानमंत्री जी ये आपको करना पड़ेगा, नहीं तो देश किसी भी हाथ में बचेगा नहीं। इनसे बचा लो देश को, हमारी हाथ जोड़कर विनती है। पैसे तो आते जाते रहेंगे, जो ये सिस्टम है ना, अगर ये काले अंग्रेजों वाला फेल नहीं हुआ तो ये वो दिन दूर नहीं है कि देश दोबारा गुलामी की तरफ चलेगा। और गुलाम कौन कराएंगे जिम्मेवार? ये काले अंग्रेज। कौन है काले अंग्रेज? अफसर आर्मी के, बार बार हम कह रहे हैं अफसर हमारे को जवानों जैसा व्यवहार नहीं हमारे साथ करते। हमारे को हम उनको माँ बाप की तरह कहते हैं और वो हमारे को दुश्मनों की तरह हमारे से व्यवहार। कभी ये आपने देखा है एक जवान को 70 किलो की बोरी लगा दो, 70 किलो वजन नहीं, जवान 70 किलो की बोरी उठा लेगा? कार यही ये काले अंग्रेजों का यही तो सिस्टम। क्यों रखवाते हैं 70 किलो? वो रखवाते थे कि उनका कच्छा ना धोया, चड्डी ना धोई, उनका कोई काम ना करे, पानी ना दिया, बर्तन ना धोए, उनका वेटर का काम ना किया, उनका बाथरूम ना धोया, ना नाली ना धोई। जवान का ये काम है, जवान तक 6.5 फुट जवान है ये, और इसका ये ऐसा काम करेगा पढ़ा लिखा जाएगा जब फौज के अंदर ऐसा काम करेगा जाके? कोई नहीं करेगा, क्योंकि हर आज तक कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसके घर में सारी सुविधा नहीं है। आजकल सबका लेटरिन बाथरूम है, बड़ी बड़ी गाड़ी है। मैं एक छोटा सा किसान हूँ, मेरे पास 13-14 किलो जमीन भी है। जाके मेरा घर देख लो, प्रधानमंत्री से बढ़िया घर होगा हमारा। और हमारे बच्चे अगर आर्मी के अंदर जाएंगे उसके बूट पार्ट्स करवाएंगे हमारे बच्चे? करेंगे? कभी नहीं करेंगे। मैंने तो लड़का मेरा जाता था आर्मी के अंदर भर्ती होने होता है, उसको सब कुछ उसका फिट था, मैंने उसको जाने से इनकार कर दिया। मैं कहा नहीं, वैसे अब हम दो रोटी मलाई के साथ खानी है ऐसे ही खा लेंगे। ये हालात है हमारे आर्मी के अंदर। दूसरी बात आपको अपने एक और सुना होगा, प्रधानमंत्री ने अपने पिछले दिन क्या 65,000 करोड़ दिया, सुना ना वीडियो देखी है? हाँ, और 65,000 करोड़ दिया, किसको दिया ये तो बताए। हमारे को तो कुछ मिला नहीं भाई, सोना को जवानों को दिया। कौन से जवान है वो मेरे को तो कुछ, हम जवान हैं, हम तो तेरे सामने बैठे हैं, रोते हैं सड़क पर बैठे, जंतर मंत्र 20 फरवरी के बैठे हैं, 105 दिन हो गए। हमारे को तो दिए नहीं दिए होते, हमने क्या हमारे पागल कुत्ते ने काट रखा हम यहाँ बैठे। जिनको दिया है अब प्रधानमंत्री मोदी जी हाथ जोड़ के बेनती करते हैं उनसे वापस लो, अगर नहीं तो उनको जेल में डालो। बिना किसी हेरा फेरी के ये काम नहीं हुआ, इन्होंने कुछ अपने ऐसे तरीके से काम किया मिल मिला के कि जवानों के जो पैसे हैं अफसर खा गए। एक अफसर की यार ये बाग कट गई तो उसको 2,80,000, और एक जवान की बाँह कट गई तो उसको 18,000। क्या बात, सिर्फ 18,000 तो क्या करेगा जवान? पर हम बोलना तो पड़ेगा ना, हमारी आवाज कैसे ना कैसे उठानी पड़ेगी। मतलब हम आपका शुक्राना करते हैं, धन्यवाद करते हैं आप लोगों का जो सोशल मीडिया हमारी छाती से छाती मिलाकर चलती है। नहीं, आप ना होते तो हो सकता है हमारे को अभी तक उस दिन की तरह 28 तारीख की तरह और जेल में जब जी जेल में डाल दो उनको, यहाँ से आके बैठ जाए।